So this is daily math problem for 12th June and question based on functions. So I would not say it is easy or difficult, so average level, but interesting question based on functions, and we need to draw the curve also. Curve sketching also is involved. So gx function, if you see, kis tarah ka gx function, e to the power fx minus, dekho yahan pe mod dekh rahe hain, fx ke upar mod hai. So we make two cases, fx greater than equal to 0 and fx less than 0. Basically we split this definition into two definitions. So jab fx greater than 0 hai, you know mod of fx kya hota hai? If fx is positive, mod of fx is same as fx, so it becomes fx divided by, in denominator also, e to the power fx plus e to the power fx. Mod maine hata diya because fx is positive, and you can see this cancels out with this, so it is 0 when fx is greater than equal to 0. But yes, if fx is less than 0, you know what happens, I write here what happens, e to the power fx minus e to the power, you know, minus fx divided by e to the power fx plus e to the power minus fx when fx is less than 0. So what I do next, I assume fx equal to t maan liya. To ye mera kya ho gaya, e to the power t minus e to the power minus t divided by e to the power t plus e to the power minus t when t is less than 0, right? And when t is greater than equal to 0, it is 0. So now we'll see what, just a minute, let me make some space. So if we see the question, question is fx is a continuous function with range minus 1 to 1. Yes, question mein ki tha ki fx ki range hame given hai minus 1 to 1. Aur hame gx ki range nikalni hai. To main iska ek, you know, now I express this in composition form. Ki yahan se mera x maine feed kiya fx ke andar. Fx jisko maine t assume kiya hai. तो यहां से जो आउटपुट आएगा वो क्लियर है, माइनस 1 टू 1 आएगा. क्वेश्चन में गिवन है fx की रेंज माइनस 1 टू 1 है, ये हमें क्लियर है. तो यहां से आउटपुट आया, मतलब बेसिकली t बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 हो गया, ये हमें गिवन है. इसके आने के बाद ये आउटपुट हमने इस फंक्शन में दिया है, इस फंक्शन में e टू द पावर t, कैसे लिख लो, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t. ये क्या है, व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन, सो t लेस देन 0, t ग्रेटर देन equal to 0, this expression is 0. तो मुझे इसकी रेंज निकालनी है. तो मेरा fx से को लेना देना ही नहीं है, fx से आगे आउटपुट के minus 1 to 1 आ रहा है. So t is between minus 1 to 1 जो मैंने इस ब्लॉक में फीड किया है t की वैल्यू को, तो मुझे ये एनालाइज करना है. इसमें तो आप देख सकते हैं कि ये तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, t greater than 0 में तो कुछ है ही नहीं, हमें 1 तक ही जाना है वैसे भी, लेकिन ये 0 है. ये देखो, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा. हाँ, मुझे इसमें देखना है माइनस 1 टू 1 में यहाँ क्या क्या रेंज आएगी इस फंक्शन की, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t, ये फंक्शन की. तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है, राइट? अगर आप देखेंगे इसमें, और यहाँ भी आप देखो, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t. इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि आपने कैसे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आपने एलसीएम लेके लिख लिया, e टू द पावर 2t माइनस 1, ऐसे हो जाएगा, एक ही बात है, e टू द पावर 2t प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम एलसीएम लेके. तो ये आप देखो कि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव, बिकॉज एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है. और इसको हम देखें कि e टू द पावर 2t का ग्राफ क्या होता है, e टू द पावर 2t का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से जाएगा. खाली मैं इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन तो ऐसे है. तो ये 1 के इक्वल सिर्फ 0 पे होता है, t इक्वल टू 0 पे 1 के इक्वल होता है. तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब e टू द पावर 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और वो कब होगा, जब t इक्वल टू 0 है. तो यहीं पे फंक्शन 0 होगा, इससे पहले 0 नहीं है, इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्योंकि हमने देखा ये 0 कब होता है, ये 0 होगा, न्यूमरेटर को 0 करके देखा 0 कब होगा, जब t इक्वल टू 0 पे, यहीं पे 0 हो रहा है, उससे पहले 0 नहीं है, राइट? और हम और थोड़ा आइडिया लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एकदम आइडिया लग जाएगा आपको. डेरिवेटिव मैंने लिया है इसका, डी वाई बाई डी एक्स, एंड आई अप्लाई क्वेश्चन टूल फॉर दैट, ई टू द पावर 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ई टू द पावर 2t, टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर 2t प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 टाइम्स ई टू द पावर 2t इंटू टेकिंग न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट, ये मैंने किया है. इफ़ आई टेक 2 टाइम्स ई टू द पावर 2t कॉमन, इनसाइड आई हैव, यू नो, 2 बचेगा, बिकॉज ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा. सो ई टू द पावर 2t प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड यू कैन सी दैट इट इज़ 4 टाइम्स ई टू द पावर 2t,
over e to the power 2t plus 1 whole square, right? So quickly main check kar leta hun, iska derivative ye liya hai, iska denominator constant liya minus this, yeah, derivative of take numerator constant, derivative of denominator. So if I take this common, yeah, so you can see that, you know, so this is, you can see it's completely positive, right? Derivative is completely positive because for all negative positive values, exponential function is always positive. So it means that function is increasing, rising function hai, no local maximum, yahan se rise karega. To ab ye dekh sakte hain ki graph iska, you know, is tarah se graph jayega, ye is tarah se graph hoga iska, ye negative hoga. Check bhi kar sakte hain ki e to the power 2t minus 1 ye kahan hota hai, dekho aap t negative value pe kya hota hai, ye graph hai iska, e to the power 2t ka graph ye hota hai, right? Minus 1 karenge to 1 unit downshift kar diya apne graph, ye graph ho gaya e to the power 2t minus 1 ka graph maine show kiya. To yahan se ye bhi idea lag raha hai ki negative values ke liye negative hota hai graph, right? To numerator negative hai iska, for negative values of t numerator is negative, to graph niche se aa raha hai, to graph aise upar gaya hai, increasing function hai, dekh hi chuke the hum, origin se pass kar raha tha, continuous function hai, graph rise karke aise jayega, ye graph ho gaya. To humne sirf minus 1 pe value dekhni hai, to range ke aage dekho aap, yahan to ye to zero hi hai, range nikalni minus 1 to 1 ke andar, ye value hum nikal lete hain, minus 1 dalenge to kya hoga, minus 1 replace karenge to t ko minus 1, to e to the power minus 2 minus 1 divide by e to the power minus 2 plus 1, lcm leke aa jayega 1 minus e square over 1 plus e square. ये है इसकी minimum value और maximum value 0 है. तो range आ गई from 1 minus e square to 1 plus e square to 0. ये range आ गई है. That is, you know, that is C choice. तो अगर हम देखें इसमें हमने क्या किया, main तो पहले दो block बनाए हैं इसके अंदर. पहले तो compound function में लिखा है, जो mod function था इसको हमने split करके compound में definition लिखी है. Compound function के बाद हमने देखा कि ये function f(x) का function और f(x) given नहीं है. और f(x) की जरूरत भी नहीं थी हमें क्योंकि f(x) की range given है. तो हमने composition बना के देखा f(x) की range हमें given है. तो यहाँ से हमें सिर्फ इस block को analyze करना है, वो भी t less than 0 के लिए. T greater than 0 के लिए 0 है और less than 0 के लिए हमने इसका थोड़ा idea इस function का लिया है कि ये function हमने देखा कि completely negative है function. इसको पहले हमने ऐसे लिख लिया e to the power 2t minus 1 over e to the power 2t plus 1 और देखा completely negative function है ये. E to the power 2t से idea लग गया कि हमेशा ये 1 से कम होता है तो numerator negative होगा. फिर हमने derivative लेके देखा increasing function है, completely negative है, increasing function है, तो ये इस तरह का graph जाएगा इसका, हमने देख लिया rising function ऐसे है, right? तो वहाँ से समझ आ गया range क्या है हमारी, minus 1 to 1 the values y can take हमने figure out कर लिया.